आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8, 15 और 29 का एक मामला शेयर करूंगा, जिस मामले में कोर्ट ने आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया, उसको उन्मुक्त कर दिया, उसको छोड़ दिया उस मामले से। साथियों, डिस्चार्ज, उन्मुक्त और छोड़ देने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई है, तो कोर्ट ने मामले को शुरू करने से पहले ही कोर्ट ने ये पाया कि जो मुकदमा दर्ज किया गया आरोपी के खिलाफ वो गलत किया गया है, इसलिए आरोपी को इस मुकदमे से छोड़ देना ही सही है और आरोपी को कोर्ट उस मुकदमे से अलग कर देती है, मीन्स की छोड़ देती है। अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो कोर्ट उसको बरी कर देती है, लेकिन कानूनी अर्थ अलग होता है बरी होने और उन्मुक्त होने का। तो सामान्य भाषा में समझिएगा कि इस केस में कोर्ट ने आरोपी को मामले से हटा दिया, उन्मुक्त कर दिया। अब साथियों, केस कहाँ का था, क्या था, वो आप समझिएगा, सुनिएगा, आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। साथियों, ये जो मामला था ये मंदसौर का था। मंदसौर में पुलिस को सूचना मिली मुखबरी के माध्यम से कि कुछ लोग डोडा चूरा लेकर के आ रहे हैं। पुलिस ने उस मामले में, जब पुलिस स्पॉट पर पहुंची, तो वहां पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे 30 किलो डोडा चूरा जब्त किया। अब जब 30 किलो डोडा चूरा जब्त किया उनसे, तो उसके बाद उनको थाने लेके आए, उसमें FIR दर्ज की गई। और FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब मामले में इन्वेस्टिगेशन किया, तो पुलिस ने उन आरोपियों से पूछा कि कहां से लेकर के आ रहे थे। तो आरोपियों ने इस व्यक्ति का नाम लिया जिसको कि पुलिस ने, हाई कोर्ट ने इस मामले में छोड़ दिया है, इसका नाम है खानसेर। उन दोनों आरोपियों ने, जिनका नाम था नैना राम और रेखा राम, नैना राम और रेखा राम ने कहा कि ये जो हम माल है, जो डोडा चूरा है, इसे हम खानसेर के यहाँ से लेके आ रहे थे। पुलिस ने साथ ही ये जो बयान लिया था, ये धारा 27 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पुलिस ने इसको रिकॉर्ड किया और खानसेर को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में खानसेर को भी आरोपी बना लिया। अब साथियों, पुलिस ने जब खानसेर को आरोपी बनाया, तो खानसेर से जब्ती कुछ भी नहीं हुई थी, केवल दो आरोपियों के मात्र नाम लेने से खानसेर को मामले में आरोपी बना दिया और पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया। आपको पता होगा कि जब किसी भी मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद जब मुकदमा, जब आपका जो ट्रायल है, जब कोर्ट में शुरू होता है, तो सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि क्या जो धाराएं पुलिस ने दर्ज की हैं वो सही है या नहीं है। इस स्टेज को बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम पे जो चार्ज जो पुलिस ने लगाए हैं, क्या वो सही है, कोर्ट देखती है। इसी टाइम पे आरोपी को मौका मिलता है कि वो उस समय आर्गुमेंट कर करके कोर्ट में बता सकता है कि ये धाराएं सही हैं, ये धाराएं गलत हैं, या फिर सारी धाराएं निराधार नहीं लगनी चाहिए जिस प्रकार से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस मामले में साथियों यही हुआ। इस मामले में आरोपी ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब मुकदमा शुरू होने से पहले ही कोर्ट में आर्गुमेंट किया कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो गलत लगाई गई हैं, आरोपी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और आरोपी ने बताया कोर्ट में कि यहाँ पे उसको जो आरोपी बनाया गया है वो दो आरोपियों के कहने पे बनाया गया है जिनसे कि ये डोडा चूरा जब्त हुआ था। अब यहाँ पे आरोपी ने दलील दी कि हमसे तो कुछ जब्त नहीं हुआ है, केवल उनके नाम मात्र ले देने से मात्र हमें आरोपी बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो एविडेंस एक्ट का जो 27 है, जिसके आधार पर इन्हें आरोपी बनाया गया है, वो नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इनसे कुछ डिस्कवरी नहीं हुई। अब ये फैक्ट क्या है, सेक्शन 27 क्या है, इसका क्या महत्व, मैं आपको बताता हूँ। साथियों, क्या होता है कि जब पुलिस किसी भी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करती है और अगर आरोपी उसमें कुछ नया फैक्ट पुलिस को बताते हैं और पुलिस उसमें किसी नए फैक्ट की डिस्कवरी होती है, तो वहाँ पे धारा 27 के मेमोरेंडम के आधार पे पुलिस उसको भी वहाँ पे कोर्ट में प्रस्तुत करती है। अब धारा 27 के आधार पे हो सकता है कि किसी चीज़ की जब्ती हुई हो, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे कोई हत्या मारपीट का मामला है या फिर 307 का मामला है, तो वहाँ पे मान लीजिए किसी ने बताया कि हमने चाकू वहाँ पे छुपाया है, तो वहाँ पे धारा 27 के अंतर्गत पुलिस को दिया गया बयान माना जाएगा। अब धारा 27 के अंतर्गत दिया गया बयान कोर्ट में कब माना जाता है और कब नहीं माना जाता, उसके पीछे रीजन ये है कि साथियों, हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 में ये बताया गया है कि पुलिस के सामने दिया गया किसी भी बयान का कोर्ट में कोई भी महत्व नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा 161 के स्टेटमेंट या फिर जो भी स्टेटमेंट पुलिस सामने रिकॉर्ड करते हैं, कोर्ट में जाके लोग बदल जाते हैं और कुछ होता नहीं है उनका, और कोर्ट भी नहीं मानती कि पुलिस सामने दिया गया बयान का कोई महत्व है।
लेकिन साथियों क्या है कि पुलिस के सामने दिए गए बयान का कोर्ट में कोई महत्व तो नहीं होता है, लेकिन उसके उसमें एक सेक्शन और भी है एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 27। सेक्शन 27 में ये बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान में अगर कोई नया फैक्ट निकल के आ रहा है तब तो उसका एविडेंसरी वैल्यू है। इसका मतलब है कि अगर पुलिस के सामने आपने कोई बयान दिया है और उससे कोई नया फैक्ट निकल के आ रहा है, जैसा कि इस केस में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आरोपियों को इस मामले में छोड़ दिया गया। अब साथियों धारा 27 एविडेंस एक्ट का ये कहता है इस मामले के हिसाब से क्या होना चाहिए कि दोनों आरोपियों ने कहा कि हम जो माल लेके आ रहे थे वो खानसर के यहाँ से लेके आ रहे थे, पुलिस खानसर के यहाँ गई, पुलिस खानसर को गिरफ्तार की। अब खानसर के पास से अगर कुछ जब्ती होती, अगर उसके यहाँ डांडोरा चूरा मिलता पहले से कि उसके पास रखा हुआ था या फिर है, तब तो धारा 27 के अंतर्गत खानसर को भी आरोपी बनाया जा सकता था कि हाँ ये जो माल है खानसर के यहाँ से लेके आ रहे थे। लेकिन चूंकि इन्होंने केवल आरोपी का नाम लिया दोनों आरोपियों ने कि खानसर के यहाँ से हम लेके आ रहे थे, जबकि खानसर के यहाँ से जब्ती कुछ भी नहीं हुई, तो इस प्रकार से कोई नया फैक्ट निकल के नहीं आया है। अगर नया फैक्ट निकल के नहीं आया है तो जैसा कि धारा 25 में बताया गया एविडेंस एक्ट के कि एडमिसिबल नहीं है, तो यही हुआ इस मामले में कि आरोपी का नाम तो लिया लेकिन कुछ डिस्कवर नहीं हुआ, इसलिए धारा 25 के अंतर्गत जैसा बताया गया कि पुलिस के सामने दिए गए बयान का कोई भी महत्व नहीं है। और इस मामले में कोर्ट ने भी ये माना। अब इसमें आप कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि कोर्ट ने किस किस आधार पर आरोपी को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया था। पहला तो कोर्ट ने यह देखा कि FIR के टाइम पे आरोपी का नाम नहीं था जिसने की पिटीशन फाइल किया, जिसने की रिवीजन पिटीशन फाइल किया गया था। दूसरा फैक्ट यह है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, कुछ भी जब्ती नहीं हुआ। और तीसरा पॉइंट है साथियों की जैसा हमने आपको बताया कि धारा 27 के अंतर्गत रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद उसमें कोई नया फैक्ट रिवील नहीं हुआ, इसलिए कह सकते हैं कि ये यूजलेस है, इसकी एविडेंसरी वैल्यू नहीं है। साथियों जब कोर्ट ने ये जजमेंट को लिखा तो कोर्ट ने एक 1947 का प्रिवी काउंसिल का जजमेंट का भी जिक्र किया था। ये जजमेंट था पुलुकुरी कोट्टया वर्सेस इम्परर, 1947 का था। और इसमें बताया गया है कि जब तक कि किसी नए फैक्ट की डिस्कवरी नहीं होती है, किसी नए फैक्ट की खोज नहीं होती है, कोई नया फैक्ट नहीं निकलता है, तो पुलिस के सामने दिए गए बयान का कोर्ट में महत्व तो नहीं होता, उसकी एविडेंसरी वैल्यू नहीं होती। हालांकि इसके बाद भी ढेर सारे जजमेंट आए हैं लेकिन कोर्ट ने इस जजमेंट का ही जिक्र किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो साथियों कोर्ट ने इसके बाद क्या हुआ कि सेशन कोर्ट में आरोपी ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे एप्लीकेशन फाइल किया, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट किया कि जो धाराएं लगी हैं नहीं लगनी चाहिए, गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि कुछ जब्ती नहीं हुई है, धारा 27 के अंतर्गत दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं है, धारा 25 में जैसा बताया गया है कि अगर उसमें कुछ भी डिस्कवर नहीं हो रहा तो मान्य नहीं होगा। इसके बाद साथियों सेशन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, उसका फिर रिवीजन फाइल किया गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और आरोपियों को इस मामले से उन्मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया। साथियों ये वीडियो मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी सारे मामले हमने देखा है कि किसी आरोपी के मात्र कहने मात्र से किसी दूसरे व्यक्ति को आरोपी बना दिया जाता है और वो व्यक्ति पूरा मुकदमा लड़ता है, उसका एनर्जी और मनी दोनों जाता है। आपको पता है NDPS के मामले में बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा खर्च होता है और साथ में लंबे भी चलते हैं और सज़ा भी बहुत ज़्यादा इसमें है कि सामान्य सज़ा नहीं है, कठोर कारावास होता है। तो इस प्रकार से अगर आपका मामला भी कुछ ऐसा है तो आप निश्चित रूप से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब कि जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी, जो उसके बाद जो अगली एक दो स्टेप होगी उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, तो आप अगर आपको गलत तरीके से फंसाया गया है तो आप उसी टाइम पे अपने एडवोकेट से आर्ग्यूमेंट करवा लें कि जो चार्ज है वो गलत तरीके से लगाया गया है और गलत है। हो सकता है कि आपको मामले में डिस्चार्ज कर दिया जाए, फिर आपकी जो धाराएं, खूब सारी धाराएं पुलिस लगा देती है उनमें से कुछ धाराएं कम कर लिया जाए तो आपके ऊपर आने वाले टाइम के लिए बर्डन कम रहेगा, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और जहाँ इस तरह की बात है तो वहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर आर्ग्यूमेंट जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा। जो भी इस तरह की वीडियो मुझे मिलते रहेंगे, जो आपको बताना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं अगर किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है, तो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।